खबर राजगढ़ से है, जहां माचलपुर नगर परिषद के चुनाव के बाद नव निर्वाचित परिषद की पहली बैठक शासकीय प्राथमिक विद्यालय परिषद में आयोजित की गई, जिसमें नगर विकास के 31 प्रस्ताव पारित किए गए। नगर में करोड़ों रुपए के प्रस्ताव परिषद की पहली बैठक में पारित होने के नगर से सभी वार्डों में विकास कार्य दिखाई देंगे। विकास कार्यों में निपस के पार्षद ने भी नगर हित को प्राथमिकता देते हुए नगर विकास के प्रस्तावों को समर्थन दिया। नगर परिषद की प्रथम बैठक में कलेक्टर राजगढ़ के आदेशानुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने पार्षद प्रतिनिधियों को बैठक में नहीं बैठने दिया, जिसके चलते बैठक में 32 प्रस्तावों में से 31 प्रस्तावों को हरी झंडी प्रदान की गई। बैठक में खास तौर पर नगर में स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, सड़क व बिजली का इंतजाम किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति भी दी गई। नगर परिषद की सामान्य सभा की बैठक परिषद अध्यक्ष गीताबाई मालवीय एवं उपाध्यक्ष लक्ष्माबाई गुर्जर की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में सीएमओ भूपेंद्र सिंह ने बैठक के जारी एजेंडे के विभिन्न बिंदुओं की जानकारी पार्षदों को दी। आवेदन लेके जाएंगे, उससे आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे क्या चाहते हो। एक कोई भी चीज, जैसे लोन चाहिए तो 10,000 लोन आपको बैंक के लिए आवेदन भर देंगे, ये लेकिन उसका दस्तावेज चाहिए, उसके साथ में दो फोटो भी चाहिए। दस्तावेज मतलब ये आवेदन पत्र, समग्र आईडी, आधार कार्ड और आपके पास बैंक की पासबुक और राशन कार्ड की फोटो। इसमें बीपीएल जरूरी है क्या सर? बीपीएल लोन वाले में बीपीएल कोई जरूरी नहीं है। 10,000 देने वाला जो कर चुका है उसको हमने 20 दिलवा दिए, और 10 जो पूरा कर दे या 2-3 हजार बजे जमा करा तो हम 20 दिलवा देंगे, और जो 20 जमा कर दिया उसको हम 50 दिलवा देंगे। तो ये नगर के लिए जो बेरोजगार लोग हैं, साग सब्जी वाले हैं, पान वाले हैं, छोटे लोग हैं, तो ये शासन की नीति है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल वो योजनाओं के प्रति आप लोगों को बुला के आगाह कर रही है। 8-10 मदरा है, अध्यक्ष महोदय को मालूम है, इसलिए आप लोग अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष और पार्षद करना अपने अपने बारे में ये जागृत करिए। मैं लाहौल सोटकर को लेटर भी भेज दूंगा, सूची भी भेज दूंगा, बेरा सूचना के साथ चले आज रहना, सभी को रहना है। मैं